पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अचानक पूरे सूरजपुर में सारा खाने और पीने का सामान बना कचरा। अरे ये खाना हम कैसे खाएंगे? दादी ने कोशिश की जादू से ठीक करने की, लेकिन रही नाकामयाब। ज्ञान पढ़ने ने हमें बताया कि हमें जाना होगा वनस्पति लोग और वहां से लाना होगा कल्पतरु का पौधा। अब देखिए आगे। हमारा नाम है मार्कोस काला, कोई पैदा नहीं हुआ हमको मारने वाला। देखो आ गया ना, चुप नहीं बैठ सकती थी काली जवान। देखिए मिस्टर मार्कोस काला, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम इस सूरजपुर को बचाने सूरजपुर को बचाने नहीं, हमारे हाथों से मरने को आया है। वो हमारी जहरीली फुकार थी जिसने सूरजपुर का खाना पानी सब नष्ट कर दिया, और अब तुम भी नष्ट होगा। जंबीदिया। और तुम्हारा मायावी चाबी लेकर हम अपना फ्रेंड गुरु काल को देगा और नागिन को अपने साथ ले जाएगा। संबिरिया, तू हमारा वार से कैसे बच सकता है? जल्दी से पौधा पकड़ो इसे सामान, और विशु मेरी रफ्तार से चौंका दे इस मार्कोस गाला को। ठीक है आर्यपाल, जीते विशु की रफ्तार। डर गया तुम्हारा तीसरा पार्टनर, डर के भाग गया क्या? सूरज की शक्ति लाइन मुसीबत से उठी। अभी तू इतना दुखी क्यों है? मार्कोस गाला एक बुरा दानव था, मर गया। अच्छा या बुरा, जान तो जान होती है ना विशु। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, तो मिस्टर मार्कोस गाला ने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। ये सब कैसे हो सकते है? ये मार्कोस गाला जिंदा कैसे हो गया? मेरी तलवार के वार से ऐसे कोई भी नहीं बचा है। हम ना अस्त्र से मरता ना शस्त्र से, ना दिन में मरता ना रात में, ना इंसान मार सकता ना जानवर, हमको कोई नहीं मार सकता। अभी कुछ सोच, अब हम क्या करेंगे? एक सेकंड, चलो जल्द। Thank you.
पानी से यहाँ आसपास कहीं पानी ढूंढ। इस इतने बड़े जंगल में कहीं ना कहीं तो पानी होगा। ओए, मेरे पास पूरे वनस्पति लोक का मैप नहीं है कि पानी के पास ले जा। आपकी तरह पानी भी हमारा गुलाम है। जल कर नहीं मरे तो डुबा डुबा कर मारेगा मार्कोस काला। सो डांगा। सीधे सीधी सरकार है उस अलमारी की तरफ जहाँ से हम आए थे। ठीक है, तुम तीनों भी मरोगे और तुम्हारा सूरजपुर का लोग भी भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मरेगा। सो डांगा। महाराज, सूरजपुर में इंसानों के लिए ना ही एक दाना बचा है और ना ही एक बूंद पानी। हम तो सह लेंगे लेकिन अपने बच्चों को और बेजुबान जानवरों को तड़पता हुआ नहीं देख सकते महाराज। आप सब चिंता मत करिए, मैंने पड़ोसी राज्य से मदद मांगी है। हमारे सैनिक वहां से आप सबके लिए अन्न और पानी लाते ही होंगे। हे भगवान, ये राज सैनिक कब आएंगे खाना लेकर? भूख के हमारे डुग्गू भोपाली के पेट में गुड़गुड़ हो रही है। खाना बताओ आप, भूख इतनी लग रही है कि हम भूल ही चबा रहे हैं। महाराज, पड़ोसी राजा ने सैकड़ों अनाज की बोरी और पानी के बैरल भेजे, पर जैसे ही हम हमारी सीमा में घुसे सब खराब हो गया। महाराज, खराब हो गया, खराब हो गया, पानी भी काला पड़ गया। जीजा जी कुछ करिए जीजा जी, वरना हम लोग भूख और प्यास से मर जाएंगे। डुग्गू, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना सीखो। सोचो कि हमारी प्रजा का क्या हाल होगा। आदित्य, कुछ पता चला कि ये सब क्यों हो रहा है? कुछ करिए महाराज, इस मुसीबत से आप हमें नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? अब तो बच्चे ही कुछ कर सकते हैं। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। दोस्तों, वो देखो, फोरा घर वापस जाने का रास्ता। चलो। कितनी पावर्स है इसके पास? हम पांच तत्वों का बॉस है। बिग बॉस, जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश, ये पांचों तत्व हमारा गुलाम है। तुम हमको चाहकर भी नहीं मार सकता, पर अभी हमको तुम्हारा कमजोरी पता है। तुम इसी जादुई लोक में मरने को सकता। वो मार्कोस सिर्फ मुझे मारना चाहते हैं, तुम दोनों को नहीं। बदले लेकर यहाँ से जाओ, बचाओ सूरजपुर को। ओए चुप बैठ, पागलों की तरह बातें मत कर, हम तुझे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वेट मत करो, जाओ। हाँ अभी, तुमने कई बार हमारी जान बचाई है, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। चल बैठ, चल चल चल। रुकी रानी, मैं नहीं पहचान। Thank you.
बहुत जल्द तुम्हें इसी जादुई लोक में मरने को आना होगा जोरडांगा। शादी किताब के हिसाब से कल तुरु का पौधा लगाती सारे काले जादू का असर ठीक हो जाएगा। बहू, तुलसी के पत्ते हरे भरे हो गए, इसका मतलब भगवान ने हमारी सुन ली। माँ जी, माँ लगता है बच्चे वनस्पति लोक से कल्पतरु का पौधा ले आए, अब सब ठीक हो जाएगा। महाराज खुशखबरी है, राज्य में खुशहाली और हरियाली फिर से लौट आई है। महाराज माँ जी सच जी महाराज ये लो तुम्हारे लिए भेंट। आइए माँ जी। किचन में तो सारा खाना ठीक हो गया है, रोटी भी। अरे तुम्हारे उस भूखा डुगू को बता दो, खुशी के मारे पागल हो जाएगा सच्ची। हाँ जल्दी से बताते हैं। चलो चलो चलो। इतने दिनों बाद इतना खाया है। इमली मामा, मामा सब ठीक हो गया। मामा खाने पानी सब वापस आ गया। सच में? हाँ। अबे ये तो बड़ी भन्नाट न्यूज सुनाई भाई। दोस्तों अच्छा होगा टाइम पर आवे, नहीं तो डुब्बू मामा तो सारी किताबें जट कर गए होते। गुरुकाल आपके दोस्त के तो बच्चों ने दाल ही नहीं गलने दी, सूरजपुर में फिर से हरियाली आ गई, मार्कोज फेल हुआ, अब शकुर भैया की दुल्हनिया यहीं रहेगी ना, अब सात समंदर पार नहीं जाएगी। इस बार तो सिर्फ चाटा मारा ना, अगली बार डस लो। मुल्क शकुर के बेवकूफ भाई छुमरू, ये हरियाली बर्बादी के पहले की है। बच्चों ने तो कल्पतरु का पौधा लगा दिया था, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? कल्पतरु के पौधे को हमने विषैला बना दिया था। खाना बहुत टेस्टी है रुक्मिणी। महाराज महाराज खाना मत खाइए महाराज, कोई खाना नहीं खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा। सूरजपुर में जिसने भी अन्न ग्रहण किया है, पानी ग्रहण किया है, सबकी तबीयत खराब हुई पड़ी। अमा यार ये क्या हो रहा है? आदित्य पर आपने तो खाना खा लिया। नहीं मुझे कुछ नहीं हो, तुम चिंता मत करो मैं ठीक हूं। पापा आदित्य जीजा आदित्य जीजा आदित्य
जी कुछ करिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, भाग देती हूँ। सैनिक अंकल जल्दी से भागुरु को बुला कर लाओ, अब कोई रास्ता दिखा सकते हैं। गुरुजी क्या हुआ है इन्हें, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? बस धीरे धीरे अभी के घरवाले और सूरजपुर के लोग सब मरेंगे, सब। इस बार अभी तू नहीं बच सकता। क्यों मेरे दोस्त? तुम एकदम सही बोला माय फ्रेंड कुरकाल। महाराज और सूरजपुर के जो लोग जिन्हें ये बीमारी हुई है उनके पास सिर्फ 36 घंटे का समय है। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, 36 घंटे के बाद भाग रहने, और तब तक अगर इस बीमारी की जड़ मार्कोस गाला को नहीं मारा तो कोई नहीं बचेगा। हमने मार्कोस गाला को मारने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मरता ही नहीं है। ऐसा दानव जो अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ना दिन में मरे ना रात में, ना इंसान से मरे ना जानवर से, मुझे भी इसे मारने का ज्ञान नहीं है। ऐसा मत कहिए महागुरु, कोई तो रास्ता बताइए। रास्ता है, सूरजपुर की सीमा के पास दुर्गम ऋषि का आश्रम है, वो परम ज्ञानी है और दुर्गम ऋषि ही इसका समाधान कर सकते हैं। तो हमें तुरंत वहां के लिए निकलना चाहिए ताकि हम सुबह तक आश्रम में पहुंच जाएं। अभी ये कहां जाने की बात हो रही थी? मैं बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी, ऐसे खतरे के समय में मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बच्चे कहीं नहीं जा रहे माँ जी, मैंने अभी सुना है ये किसी आश्रम जाने की बात कर रहे थे। आप सब क्या छुपा रहे हैं मुझसे? नहीं मम्मी, हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे। पापा की तबीयत खराब है ना, तो हम लोग महागुरु के साथ जड़ी बूटी ढूंढने में उनकी मदद करने जा रहे हैं। गुरुजी आप अपने साथ सिपाहियों को ले जाइए जड़ी बूटी के लिए, पर मैं बच्चों को नहीं जाने दूंगी। अगर गलती से इन्होंने कुछ खा पी लिया तो। रुक्मिणी बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, अब तुम आदित्य के पास जाओ, उसको संभालो, मैं बच्चों को संभालती हूँ। वैसे भी हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है माँ। हम अभी जाकर बच्चों का काम तमाम करेगा। मार्कोस गाला, तुम ये भूल रहे हो कि अभी को सिर्फ जादू लोक में मारा जा सकता है। तुम अभी के खिलाफ मेरे ब्रह्मास्त्र। अगर हमारी चाल कामयाब हुई तो दुर्गम ऋषि ही हमें मायावी चाबी दे देंगे। वो कैसे गुरुकाल? अगर मार्कोज मायावी चाबी नहीं लाया तो भाभी सात समंदर पार नहीं जाएंगी ना? नागिन। जी गुरुकाल। तुम मूर्ख शकुर के बेवकूफ भाई जुमरू के साथ दुर्गम ऋषि के आश्रम पर जाओ, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। जी गुरु का। गाइस इतने तेजस्वी सिर्फ दुर्गम ऋषि हो सकते हैं, चलो। बच्चों दुर्गम ऋषि का ध्यान मत तोड़ो, वो बहुत ही क्रोधित ऋषि हैं, जो उनका ध्यान भंग करता है उनकी नजर पड़ते ही वो पत्थर बन जाते हैं। फिर तो हमें दुर्गम ऋषि का ध्यान पूरा होने तक इंतजार करना पड़ेगा। तुझे याद है ना गुरुकाल ने क्या कहा? गुरुकाल ने कहा था कि किसी भी तरह इन बच्चों के हाथों उस दुर्गम ऋषि का ध्यान भंग करवाना है।
और जैसे ही दुर्गम ऋषि अपनी आंखें खोलेगा वो बच्चे पत्थर के बन जाएंगे, और जैसे ही अभी पत्थर का बन जाएगा वो चाबी अपने आप बाहर आ जाएगी। हेलो, अपना ध्यान रखना, जैसे ही वो मायावी चाबी हवि के शरीर से बाहर आएगी हमें वो चाबी लेना है और यहां से भाग जाना है। अगर मुझे चाबी मिली तो मैं लेकर भाग जाऊंगा, तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मेरी आओ